फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश 1. वी वर लर्निंग द यूनिट नंबर 10 द सुप्रेमो. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन द एक्टिविटी नंबर 1 एंड 2. ओके, इन दिस वीडियो वी विल लर्न द पोयम. द पोयम इज इन एक्टिविटी नंबर 3. एक्टिविटी नंबर 3 में जो पोयम है वो लर्न करेंगे, द सुप्रेमो. तो एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 में हमने देखा कि आपको शैडोज है उसको स्टडी करना था. कौन से टाइम पे शैडो है, वो कहाँ पे होता है, वो हमने स्टडी किया. फिर हमने चार्ट बनाया है ना, कौन से टाइम पे आप क्या करते हो, आपकी डेली रूटीन क्या है ना, रोज का जो रूटीन है वो टाइम टू टाइम वही टाइम के अप्रोक्सीमेटली होता ही होगा. कोई एक्शन है, कोई जो आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि दोपहर का टाइम है तो हम लंच लेते हैं, तो 1 बजे, कोई 12:30 बजे, कोई 1:30 बजे है ना, तो अप्रोक्सीमेटली वो टाइम पे हम सब लंच लेते हैं. तो वो हमारा सबका रूटीन सेमी जो शेड्यूल है वो यहाँ पे हमें लिखना था. 6 AM पे, 9 AM पे, 1 PM पे क्या करते हो, है ना. सो वो भी हमारा हो गया था. नाउ एक्टिविटी नंबर 3, उसमें जो पोयम है द सुप्रेमो वो स्टडी करेंगे. उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी दिए हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. तो उसमें पहला है डाउन. डाउन यानी अर्ली मॉर्निंग. क्या होगा, बिगोन का मीनिंग होगा गो अवे, चले जाओ. ओके, रेन्स, रेन्स यानी रूल्स. डिसेंड्स, ओके, यानी गोज डाउन. कीज़ यानी स्टॉप्स. ओके, तो हियर आर द न्यू वर्ड्स उसके मीनिंग दिए हैं. DAWN, डाउन यानी हम कहते हैं ना सवेरा, प्रभात हम जिसको सुप्रभात हम जिस करते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह का जो टाइम होता है, यानी कि अंधेरा है वो जाने लगता है, धीरे धीरे उजाला आने लगता है, यानी जो दिन की अभी स्टार्टिंग जो हो वो टाइम हम, जैसे कि सुबह को हम 6 बजे के अप्रोक्सीमेटली 6 बजे के आसपास हम देखे तो वो उस टाइम को हम डाउन बोल सकते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं. तो वहां पे रात है, उसका अंधेरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उजाला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, यानी कि फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, डे की स्टार्टिंग पहली लाइट जो होती है वो, उसको हम बोलेंगे डाउन. फिर है बीगोन. बीगोन यानी हम कहते हैं ना बीगोन यानी चले जाओ, यानी गो अवे, चले जाओ. रेंस, रेंस यानी किसी के ऊपर रूल करना है ना. फिर डिसेंड्स, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखा ही होगा है ना नंबर्स को, तो डिसेंड्स यानी गोज डाउन. डिसेंड्स यानी गोज डाउन यानी नीचे जाना,
फिर है टू एबेंड बेंड। एबेंड बेंड का हियर यानी यहाँ पे उसका मतलब होगा टू लूज पावर, है ना, अपना जो पावर है इसको खो देना। ओके, कीज इज यानी स्टॉप्स, कीज इज यानी स्टॉप करना, रोक देना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम द सुप्रेमो वेंड। ओके, पेज नंबर है 85, एक्टिविटी नंबर 3, स्टडी द पोयम द सुप्रेमो। ओके, व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप एट डॉन, है ना, ग्रेट सन, सन है वो कैसा है, बहुत ही ग्रेट है, महान है, तो महान जो ग्रेट सन है, सूर्य है, वो कम्स अप द डॉन, डॉन पे आता है यानी सुबह सवेरे जब आता है, ही इज द किंग ऑफ द स्काई, तब वो स्काई का किंग होता है, किंग यानी राजा हो जाता है, पूरे स्काई का राजा कौन होता है, द सन। ओके, हु इज द किंग ऑफ द स्काई, ऐसा कुछ है तो आप क्या बोलोगे, स्काई का किंग कौन है, तो क्या आएगा आंसर, द सन इज द किंग ऑफ द स्काई। ओके, ही सेज टू द स्टार्स, और वो अब क्या हो गया है, सुबह जब सुबह का टाइम होता है, अभी अंधेरा गया है, थोड़ा 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 उजाला आया है, तब सन है वो क्या करता है, आता है और वो अब पूरे स्काई का किंग बन जाता है तब, और जो स्टार्स होते हैं, जो नाइट में स्टार्स आते हैं, वो स्टार्स को कहता है, क्या कहता है, गेट आउट ऑफ माय साइट्स बी गॉन, मेरे जो साइट्स है, मेरी नजरों से चले जाओ, है ना, ऐसा कहता है, क्योंकि जब सन आता है तब स्टार्स और मून दिखना बंद हो जाते हैं। ओके, एंड द मून टर्न्स परफेक्टली व्हाइट, और स्टार्स है वो चले जाते हैं, और जो मून है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा व्हाइट हो जाता है, टर्न्स इनटू व्हाइट, इन द पावरफुल लाइट, जो सन है उसकी लाइट इतनी पावरफुल होती है जिसकी वजह से स्टार्स और जो मून होता है उसकी जो ब्राइटनेस है वो व्हाइट हो जाती है ना, तो जो रात में वो दिखने लगती है, लेकिन रात में स्टार्स और मून हम देख सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो चले नहीं जाती है, वो दिखना बंद हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सन, सन की जो लाइट है वो इतनी पावरफुल होती है जिसकी वजह से जो मून है, जो स्टार्स है वो व्हाइट हो जाते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं है। द ही देन ही क्लाइम्स द स्काई टू द हाइट ऑफ नून, जब वो सन क्या कर रहा है, सुबह सवेरे वो अभी रेस कर रहा है, धीरे 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 वो कहाँ जाता है, हाइट पे चला जाता है, हाइट पे यानी ऊपर चला आता है, जब क्या होगा, हाइट ऑफ नून, नून यानी दोपहर का जो टाइम है ना, 12 बजे के बाद, 12 बजे और उसके बाद का जो टाइम है, तब जो सन है वो नून की हाइट पे यानी ऊपर चला जाता है, एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, और वो अपने थ्रोन पे बैठता है, थ्रोन यानी क्या होता है, सिंहासन, राजा है वो कहाँ पे बैठेगा, सिंहासन पे बैठेगा, है ना, तो दोपहर को जब नून हो जाता है तब क्या होता है, सन है वो हाइट पे चला जाता है यानी ऊपर चला जाता है, फिर अपने थ्रोन पे बैठ जाता है, ब्राइटर देन ब्राइट, और जब नून होती है तो आप देखना नून के 12 बजे से लेकर 2-3 बजे आप देखोगे तो इतना, आपको बाहर निकलोगे तो सन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी हार्ड होती है, तो आपके स्किन है वो भी जलने लगती है ना, सो आपको क्या बोला है, ब्राइटर देन ब्राइट, ब्राइट से भी और ज्यादा ब्राइट हो जाता है जब वो नून होता है, जब वो ऊपर आता है तब थ्रोन पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, और भी ज्यादा ब्राइटर हो जाता है, एंड रेन्स अलोन, और अकेला रेन्स, रेन्स यानी रूल करता है, शासन करता है ना, सबके ऊपर स्काई में अकेला बैठकर वो क्या करता है, रूल करता है, सभी को, सभी के ऊपर शासन करता है, बट व्हेन
अब नून के बाद यानी आफ्टर नून यानी कि 5 बजे 6 बजे तब क्या होता है। बट वेन ही डिसेंस यानी गोज डाउन, जब वो आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का जो टाइम होता है तब वो क्या करता है, धीरे 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 डिसेंड्स करना है यानी गोज डाउन नीचे उतरता है। द शैडोज ग्रो लॉन्ग एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वेन, तो शैडोज है वो कैसे होते जा रहे हैं, लॉन्ग होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप 5:30 का जो टाइम लिखा है इसका शैडो आप देख सकते हो तो कैसा है, बहुत ही लॉन्ग है। तो शैडो है वो क्या हो जाता है, ग्रो लॉन्ग, लॉन्ग होते जाते हैं एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वेन, जो उसका जो पावर है सन का नून पे उसका पावर कितना ब्राइटर होता है ना, उसकी गिरने है ब्राइटनेस है वो बहुत ही तेज होती है, लेकिन जब आफ्टरनून के बाद वो जब नीचे आता है यानी कि ढलना स्टार्ट होता है तब उसकी पावर है वो क्या हो जाती है, वो अपनी पावर खोता जाता है, लूज करता जाता है धीरे धीरे, है ना। उसकी जो पावर है उसका क्या होता जाता है, पतन हो जाता है ना, उसका नाश हो जाता है, कमजोर पड़ती जाती है। एंड वेन ही गोज डाउन इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे, ओके, एंड वेन ही गोज डाउन, और जब वो गोज डाउन नीचे चला जाता है यानी सन है वो डूब जाता है, इन हिज किंगली वे एट द एंड ऑफ द डे, जब डे के अंत में पूरा डे खत्म हो उसके अंत में जो वो नीचे चला जाता है डूब जाता है, तब ही किजिस टू रेन, वो रेन यानी रूल करना है ना, वो शासन करना स्टॉप कर देता है, ओके। द डार्कनेस फॉल्स, फिर क्या हो जाता है, अंधेरा आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है, द स्टार्स कम आउट, स्टार है वो बाहर आते हैं यानी कि स्टार्स दिखना स्टार्ट होते हैं, एंड नाइट रिटर्न्स, फिर से नाइट है वो आ जाती है, टू द वर्ल्ड अगेन, टू द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में फिर से नाइट हो जाती है, स्टार्स दिखना स्टार्ट होते हैं, मून भी दिखने लगता है और डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ओके। तो ये जो है पूरे दिन का सन का क्या हो गया, रूटीन हो गया है ना, सन का शेड्यूल हो गया। सुबह सवेरे सन है वो रेज करता है, धीरे धीरे दोपहर में ऊपर आता है और वो सा जो थ्रोन होता है सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है और पूरी दुनिया पे रेन करता है यानी पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि सन की ब्राइटनेस यहाँ पे पड़ रही है दूसरी जगह पे सन की ब्राइटनेस नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सन है वो पूरे स्काई का किंग है, वो पूरी दुनिया पे वो रूल करता है यानी उसकी जो ब्राइटनेस है वो पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है, यहाँ पे भी आती है, बॉम्बे में भी आती है, इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में भी उसकी जो किरणें है वो ब्राइटनेस है वो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर है और उसकी ब्राइटनेस है वो बहुत ही ज्यादा है इसलिए, और उसकी ब्राइटनेस की वजह से जो मून है स्टार्स है वो दिखना बंद हो जाते हैं, वो व्हाइट हो जाते हैं, इसलिए स्काई भी व्हाइट, वो स्टार्स और मून भी व्हाइट, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। और धीरे 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 वो क्या करता है, धीरे धीरे जब आफ्टरनून होता है तो सन है वो नीचे उतरता जाता है, धीरे धीरे जैसे सुबह से दोपहर तक धीरे धीरे ऊपर आता है वैसे दोपहर के बाद वो धीरे 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 नीचे चला जाता है और क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और फिर से पूरी दुनिया में नाइट हो जाती है, नाइट आती है तो कौन दिखेंगे स्काई में, स्टार्स है ना, और वो अपना जो रूल है शासन करता है सबके ऊपर रूल करता है, जब वो डूब जाता है तो वो भी रूल करना भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कर देता है, फिर से दूसरे दिन फिर से वो आएगा, फिर से रूल करेगा, फिर से चला जाएगा, है ना, तो वो उसका डेली शेड्यूल हो जाता है, ओके। ये जो पोयम है इसने लिखी है मैरी ब्रिटन मिलर, ओके, न्यू वर्ड्स है आपको याद रखने हैं, लिखना है तो नोटबुक में एक बार लिख लो जिससे आपको याद रह जाए, ओके।
फिर आगे जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो हम लिखते हैं. ओके लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोयम. ये जो पोयम है इसमें किंग ऑफ द स्काई, स्काई का किंग कौन है. ओके The sun is the king of the sky in the poem. Okay, the sun is the king of the sky in the poem. Okay, second hai whom does he order to go away.
एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे
करती है कि his power begins to wane away. His power begins to पावर खो देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एबेन वेन वाली जो लाइन है वहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी आगे की जो बट वेन से जो स्टार्ट होती है लाइन, है ना, सेकंड पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है वहां से लेकर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन तक जहाँ फुल स्टॉप आता है एब और वेन के पास, वहां तक की जो पोयम की लाइन्स है सभी वो इंडिकेट करती है कि हिज पावर बिगिंस टू एब एंड वे। ओके, तो हम वो लाइन लिख देते हैं। तो डायरेक्टली लाइन से लिखेंगे आंसर में, तो बट वेन ही डिसेंड्स, क्या आएगा, बट वेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून। आपको जो पोयम में जैसे पंक्चुएशन के मार्क्स के साथ कैपिटल लेटर जहां पे किया है वैसे का वैसा आपको यहाँ पे कॉपी लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है क्योंकि आपको लाइंस लिखने को ही बोली है। ओके, इन द आफ्टरनून द शैडोज, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कोमा नहीं है तो कोमा भी नहीं करना है। ओके, द शैडोज ग्रो लॉन्ग, यहाँ पे कैपिटल द शैडोज ग्रो लॉन्ग। ओके, फिर क्या है, एंड पावर बिगिंस, पावर बिगिंस टू एब एंड वे, टू एब एंड वे, यहाँ पे फुल स्टॉप करना है। ओके, फुल स्टॉप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा और सभी लाइन का पहला लेटर है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और सभी फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। So this is the answer of the question number 5. यहाँ पे question 5 और उसका answer आप लिख लो। Okay? ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो एक्टिविटीज, आगे का जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको अच्छे से याद कर लो और पोयम है वो भी फिर से रीड करो और अंडरस्टैंड करो। ओके, थैंक यू।